हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे वीवो Z5 के बारे में। अगर हम इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो ये आपको 23 सितंबर 2019 को इंडिया में लॉन्च होते हुए दिख सकता है। और इसकी अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड वर्जन 9.0 यानी कि पाई देखने को मिलेगी। इसकी कस्टम यूआई हर बार की तरह फन टच ओएस ही होने वाली है, जो कि लगभग ठीक ही कह सकते हैं आप इसे। इसमें आपको 20 वॉट का क्विक चार्जर भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि फुल क्विक चार्जिंग का सपोर्ट है। कंपनी क्लेम करती है कि आप इस मोबाइल को 1 घंटे में फुली चार्ज कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो इसकी डिस्प्ले 6.38 इंचेस की होने वाली है, जो कि एक फुल एच डी प्लस डिस्प्ले होगी, जिसकी डिस्प्ले टाइप सुपर एमोलेड होगी। इसमें आपको 2 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि है ब्लैक और ऑरोरा ब्लू। इसकी एस्पेक्ट रेशियो की बात की जाए तो ये 19.5:9 होगी। इसकी में आपको वाटर ड्रॉपलेट नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कैलकुलेट की जाए तो यह अप्रॉक्स 85% होती है। इसकी चिपसेट की बात की जाए तो इसमें आपको क्वालकॉम का Snapdragon 712 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, जो कि एक ऑक्टा कोर बेस्ड प्रोसेसर है, जिसकी आर्किटेक्चर 64 बिट पर बेस्ड है। इसमें आपको Adreno 616 का ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। इसकी रैम 6 GB की होने वाली है और इंटरनल मेमोरी 64 GB की होने वाली है, जिसे आप एक्सपेंड करके 256 GB तक बढ़ा सकते हैं। इसमें USB OTG का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी कैमरा की बात करें तो इसके बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि है 48 MP + 8 MP + 2 MP का होने वाला है, जिसकी फिजिकल अपर्चर f1.79 होने वाली है, जिसमें कि आपको सिंगल कलर LED फ्लैश देखने को मिलेगा। इसमें और भी कई तरह के आपको शूटिंग मोड्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि वीवो के फ़ोन फोटोज़ के मामले में काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसमें आपको और भी कई तरह के सेटिंग्स देखने को मिलेगी। और इसकी फ्रंट कैमरा 32 MP की होने वाली है, जो कि आपको लार्ज बहुत अच्छी अच्छी सेल्फियाँ खींच के देगी, जिसकी फिजिकल अपर्चर f2.0 होने वाली है। इसकी बैटरी की बात की जाए तो ये 4500 mAh होने वाली है, जिसकी वजह से मोबाइल थोड़ा सा हल्का ज़रूर होगा। इसकी बैटरी टाइप लिथियम आयन होने वाली है। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसमें आपको USB Type-C मिलेगी, जिससे कि आप डेटा फास्ट फास्ट ट्रांसफ़र कर सकें। इसमें आपको आपका प्यारा ऑडियो जैक 3.5 वाला देखने को मिलेगा। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन डिस्प्ले या तो बैक में हो सकती है। आपको ये मोबाइल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ, हमने इसके प्राइस बताना तो भूल ही गए। तो इसकी प्राइस आपको अप्रॉक्स 16,000 देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट ये मोबाइल काफ़ी अच्छा है। तो आपको ये मोबाइल कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया जो आया ही होगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़ोर से दबा दें।